हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं ईद मिलाद उन नबी क्यों मनाई जाती है, साथ ही इसको किस लिए मनाया जाता है और ये किस दिन होती है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। साथ ही जो भाई अपने घर में खुशी चाहता है, वीडियो के नीचे अपना नाम साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ईद मिलाद के दिन उनको घर में खुशियाँ आए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ईद मिलाद उन नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाते हैं। इस दिन इबादत दुआओं का सिलसिला रात भर जारी रहता है और जुलूस निकाले जाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में ईद मिलाद उन नबी मनाते हैं। आलम इस्लाम के लिए यह दिन बहुत मुबारक माना जाता है। इस दिन रात भर इबादत की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं। वहीं इस दिन मुसलमान अपने पैगंबर के पवित्र वचनों को पढ़ते हैं और इन पर अमल करने का अहद करते हैं। और साथ ही इस साल ईद मिलाद उन नबी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो दोस्तों अब आपको बताएंगे ईद मिलाद उन नबी का मुख्य रीज़न क्या है मनाने का। तो दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख 571 ईस्वी के दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ईद मिलाद उन नबी को दुनिया भर के मुसलमान बेहद खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन रात भर इबादत दुआओं का सिलसिला जारी रहता है और जुलूस निकाले जाते हैं। साथ ही आपको बताना चाहते हैं इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे हजरत मोहम्मद। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का पूरा नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ने 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की एक विधवा महिला से विवाह किया था। उनके कई बच्चे हुए जिनमें बेटों की मृत्यु हो गई थी। उनकी बेटी बीबी फातिहा का निकाह हजरत अली से हुआ था। मान्यता है कि 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब ने तालीम पर जोर दिया और सबके साथ समानता का व्यवहार बनाने पर भी बल दिया। साथ ही आपको बताना चाहते हैं किस तरह मनाते हैं ईद मिलाद। पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के इस दिन को लोग बेहद खुशी से मनाते आ रहे हैं। इस दिन घरों और मस्जिदों में रोशनी की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। लोग रात रात भर मस्जिद में इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, साथ ही लोगों को मिठाइयाँ बांटते हैं और गरीबों को दान भी देते हैं। तो दोस्तों इस तरह ईद मिलाद का मुख्य पर्व जो मुसलमान मनाते हैं मनाई जाती है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं जो इस दिन इबादत करते हैं उनकी इबादत पैगंबर हजरत मोहम्मद जरूर सुनते हैं, उनके घरों में खुशियाँ आती है। इसलिए दोस्तों आप भी अपना पूरा नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और उनके घरों में भी खुशियाँ आए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।